कढ़ी एक ऐसी रेसिपी है जो चावल के साथ खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्ट लगता है। आज मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में ये रेसिपी बनाऊंगी। ये कढ़ी हम वेजिटेबल स्टाइल के बनाएंगे जो हमारे घर में सबको बहुत पसंद आता है, ज्यादातर गर्मियों के सीजन में। तो आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आने वाली है। फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रश्मि, दिशा खाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके लिए गैस पे चढ़ाएंगे एक पैन, उसमें ऐड करेंगे एक चम्मच रिफाइंड ऑयल। ऑयल को गर्म हो जाने देंगे, देन इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले भिंडी। इसे बस 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से चलाते हुए भुनेंगे ताकि इसकी जो लसलसापन होती है ना वो खत्म हो जाए। जब 1 से 2 मिनट के करीब हो जाए, इसमें हम ऐड करेंगे बैंगन एंड कद्दू। सारे वेजिटेबल्स को हमें थोड़े लंबे लंबे कट करना है, कट करके लेना है। ये कद्दू की जो हल्का मिठासपन होती है ना, ये इस वेजिटेबल कढ़ी में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। साथ ही यहाँ पे ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार नमक एंड थोड़ा सा हल्दी पाउडर। एक मिनट के लिए चला लेंगे, देन इसमें ऐड करेंगे पानी। अब हम इसे गैस की फ्लेम को हाई करके 2 मिनट कुक करेंगे, देन गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। 2 मिनट के बाद मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये देखिए सब्जी जो है ना थोड़ा और पकेगा। यहाँ पे गैस की फ्लेम को लो करके हम कवर लगा के फिर से इसे अच्छी तरह से कुक होने देते हैं। तो दूसरी तरफ चलिए एक ब्लेंडिंग जार लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 1 कप दही, साथ ही ऐड करेंगे 1 चम्मच बेसन। चलिए दोनों इन्ग्रीडियंट्स को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखिए ब्लेंड कर लिया है मैंने। यहाँ पे दही यहाँ पे गाढ़ा है तो यहाँ पे हम 1/2 कप से थोड़ा ज्यादा पानी ऐड कर लेंगे, देन इसे फिर से ब्लेंड करके ले आएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे बेसन ऐड की है और कुक करने से बेसन जो है ना थिक होना शुरू हो जाएगा, तो दही पतला होने से परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनती है। तो दूसरी तरफ चलिए हम वेजिटेबल्स को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी सारी वेजिटेबल्स अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। इसी स्टेज पे हम ये जो दही को ब्लेंड करके रखा था ना उसे ऐड कर देंगे। हम इसे चलाते रहेंगे क्योंकि कुछ देर बाद ये थिक होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कढ़ी थोड़ा मोटा लग रहा है तो इसी स्टेज पे आप पानी ऐड कर सकते हैं। कढ़ी की कंसिस्टेंसी कितना मोटा पतला आपको चाहिए उस हिसाब से पानी कम ज्यादा कर सकते हैं। कढ़ी को हम इस तरह से चलाते रहेंगे, नहीं तो ये जो दही है ना वो फट सकता है। तो इसे हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक इसमें एक अच्छा सा उबाल ना आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 4 से 5 मिनट के करीब हो चुका है, यहाँ पे कढ़ी में एक अच्छा सा उबाल आ गया है। तो यहाँ पे मैंने दही में और नमक नहीं डाला है क्योंकि मैंने सब्जी में नमक डाला था। बस 2 मिनट के लिए और बॉईल कर लेंगे, देन हम गैस को ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मिनट के करीब हो चुका है। इसी स्टेज पे हम कढ़ी को निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है क्योंकि हम इसमें एक तड़का प्रिपेयर करेंगे। कढ़ी के लिए 2 चम्मच ऑयल डाल दिया मैंने यहाँ पे। ऑयल गर्म हो जाए देन इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच सरसों, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच काला जीरा, सूखे लाल मिर्च ऐड करेंगे, 2 हरी मिर्च भी ऐड करेंगे, थोड़ा सा हींग डालेंगे। अब हम इसमें क्रश किया हुआ लहसुन ऐड कर देते हैं। तो 4 से 5 लहसुन को मैंने यहाँ पे क्रश करके ले लिया है। लहसुन डालने से बहुत ही बढ़िया खुशबू निकल के आती है तड़के में। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो बिना लहसुन के भी बना सकते हैं। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज कड़ी पत्ता डालेंगे, जिसके बिना ये कड़ी तो अधूरा है। सारे इंग्रीडियंट्स को भून लेंगे जैसे कि लहसुन का थोड़ा कलर चेंज हो जाए तब तक। ये देखिए लहसुन का कितना बढ़िया कलर आ गया है यहाँ पे। इसी स्टेज पे हम ना कढ़ी को ऐड कर देंगे, बस चलाते रहेंगे 1 मिनट के लिए। और ये हमारा कढ़ी यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स, एक बार मेरे तरीके से ये वेजिटेबल कढ़ी ट्राई करके देखिए, बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है चावल के साथ खाने में। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।